सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए मोबाइल मेडिकल सर्विस योजना का औपचारिक शुभारंभ कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माखन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस में पहली बार कुछ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की आहट है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने के बाद अब गिर रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार हो रही कटौती के कारण दिल्ली में तेल के दाम 80 के अंदर बने हुए हैं। दिल्ली के शकुरपुर थाने में एक महिला ने कथित आचार्य अशोकानंद जी महाराज उर्फ योगीराज और उसके 2 साथी रजनी कश्यप और बबीता जैन के खिलाफ धार्मिक क्रियाकलापों की आड़ में धोखाधड़ी और पैसा ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पेसो सत्यापित पटाखा ही छोड़ने की बात कही है, जबकि बाजारों में पेसो सत्यापित पटाखा नहीं है, लिहाजा लाइसेंसिंग विभाग ने लाइसेंस न देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर बने बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज को लेकर जारी सियासत के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस ब्रिज का उद्घाटन कर ही दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नक्सलवाद को लेकर अपना रुख स्पष्ट करें। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। पिछले 3 सप्ताह से लगातार स्तर गंभीर और बेहद खराब चल रहा था, जिसमें सुधार होते हुए अब यह खराब की श्रेणी में आ गया है। ग्रेटर नोएडा की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चारों तरफ दहशत फैल गई। आग सुबह करीब 6 बजे लगी। जैसे आग लगने की खबर फैली, फैक्ट्री और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल।